दादा। वाह बहुत तेज सुना रे। ना दिन में चैन ना रातों में हो। वाह बहुत सुंदर बढ़िया। ना दिन में चैन ना रातों में हो। आंसू बस रहते हैं आंखों में हो। गीत कह रहा है क्या बेटे क्या? जिस लड़की से प्यार किया और जिसे दिल ये जादी। वाह बेटा वाह जियो जियो मेरे लाल। वाह हमारे बिना भैया हमारे पड़ोस के गांव के हैं, हमारे मड़ोइया हैं जी, बहुत अच्छे कलाकार हैं। अब ये मानिए कि ये हमसे सीनियर कलाकार हैं। और क्या कौन है सीनियर? जिस लड़की से प्यार किया और जिसे दिल ये जाए वो बेवफा 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 वो बेवफा 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 आदरणीय यहाँ सभी हमारे गुरुतुल्य कलाकार विराजमान हैं। इनके सामने ना हमारा कोई गाना ना कोई लेखन, लेकिन फिर भी आप लोगों के चरणों में छोटा सा प्रयास है। एक बार भगवान भोलेनाथ के दरबार में तमाम देवता पहुंचे और एक सवाल कर दिया। बोले प्रभु एक बात बताइए, क्या? जब से मैंने सुना है तब से सिर्फ आप ही महादेव महादेव और आपकी पत्नी महादेवी, आपके पुत्र प्रथम पूज, यानी सभी सभी बड़े बड़े पद। निकलो 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 पन्नी ओढ़ के निकलो, आपके पास है। सभी ने सवाल किया क्या ये हमको कभी पद नहीं मिल सकता महादेव होने का? हम सिर्फ देव ही हैं, आप महादेव हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवताओं मेरे शरीर को देखिए, मेरे शरीर को देखिए, फिर आप बताएंगे कि कौन महादेव है। वाह तो देखा मुझे बोलो, देखा देवताओं ने तो पंक्ति आती है। हाँ बोलो बेटे बोलो। माथे पे विराजे चंद्र देव डबल में। वाह बेटे वाह 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 डबल है। शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखिए मेरे माथे पर माथे पे विराजे चंद्रदेव और ब्राजे हैं नयन में अग्निदेव। माथे पर चंद्रमा और मेरे तीसरे नेत्र में अग्निदेव और कहने लगे ब्राजे हैं हृदय में रामदेव। लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो एक बार सीना चीर कर दिखाया भी, बैठे के नहीं बैठे। और अरे महादेव के हाँ महादेव के कंठ में देखो नांग देवता है।
जो हमेशा फुफसारी मारते रहते हैं, चार देवता और चारों जीते जाते, कोई ऐसा नहीं है कि बनावटी लगा लिए हो, ऐसी चिपका लिए हो, नहीं, चंद्रमा उजाला बिखेरते रहते हैं और अग्नि देवता जब निकलते हैं तो भस्म कर देते हैं। वाह। और रामदेव सबका जाना पहचाना है, इसलिए कहना है, वाह भैया रामदेव, वाह। हाँ महादेव के गले में देखो नांगे देवता, देवताओं ने कहा कहे प्रभु ये देवता तो महादेवता है, ये आप ही महादेवता है, कोई नहीं है और क्या। वाह। ये देवता तो महादेवता, देवता महादेवता है, ये देवता महादेवता। चार देवता और भगवान भोलेनाथ ने कहा अभी बात पूरी नहीं हुई, जल्दी करो बेटे। बिल्कुल जल्दी, भगवान भोलेनाथ ने कहा अरे एक देवी को जटा जूट में रखे ते बसा है, चबत बड़े चबत है, चबत है। वाह। आराम से बड़े, आराम से, आराम से, आराम से बड़े, आराम से। आदरणीय शाबाश गुरु तुल दादा मंजला जी, ये आपके बच्चे का प्रयास है। हाँ जटा झूठ में एक देवी को रखे ते बसा है तो देवता तो महादेवता है, ये देवता तो महादेवता, देवता तो महादेवता है, देव देवता तो महादेवता है। वाह वाह वाह, जियो जियो सचिन बाबू, जियो जियो। ये भैया बड़ा दो, हमारा कोई बात नहीं, परम सौभाग्य है कि कीर्तन जगत के एक ऐसे कलाकार जिनका कोई जोड़ नहीं है, तो सिटी कोई बात नहीं, गायन के मामले में जो हमारे दादा दादा नादान जी गाते हैं उनका कोई जोड़ नहीं है, ना होने देंगे और क्या। बड़ा द्वार हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ हमारे गुरुतुल दादा श्री मंचला जी की ओर से, ये बहुमूल्य पुरस्कार और दादा श्री नादा दीन थोड़ी देर में सब बढ़ाने वाले नादान जी दादाजी की ओर से ये बहुमूल्य पुरस्कार है, हृदय से चरणों में प्रणाम करता हूँ। और कहा एक देवी को, हाँ एक देवी को जटा झूठ में रखे ते बसा है, चावल बड़े चावल है, एक देवी को जटा झूठ में रखे ते बसा है तो ये देवता तो महादेवता है, बजाते रहो बजाते रहो, देवता तो महादेवता, देवता तो महादेवता है, ये देवता तो महादेवता है। बड़ी जल्दी में आप सभी को और क्या।